Oh my god, after seeing him in Daredevil season 2 and Punisher season 1, damn man, I have been waiting for Punisher season 2 from the last one year. But at last maine dekha aur mujhe bahut maza aaya. But guys, jaisa ki aapko pata hi hai ki sari movies aur TV series ke apne pros and cons hote hain. To is review ko bhi main do parts mein break karne wala hu. जिसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा स्टोरी प्लॉट और प्रोज, और उसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उन चीजों की जो पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बट पहले मैं मार्वल्स के कास्टिंग डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूंगा। मतलब वो ऐसे कैरेक्टर्स लाते हैं जैसे मानो सीधा कॉमिक बुक्स के पेजेस से उठा के ला रहे हो। आयरन मैन में RDJ को ही देख लीजिए, थॉर में क्रिस हेम्सवर्थ को देख लीजिए, डेयर डेविल में चार्ली कॉक्स को देख लीजिए, और जॉन ब्रेंथल को पनिशर के रोल में देख लीजिए। मतलब वो तो पूरा करेक्टर के अंदर में ही घुस जाते हैं। उनकी चाल ढाल से लेकर उनके बात करने के तरीके तक, उनके प्रेजेंस में ही वो डोमिनेंस दिखते हैं जो हम पनिशर में देखना चाहते हैं। बट गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर पावरफुल एक्शन, सो यू आर एट अ राइट प्लेस। सीरियसली गाइज, पनिशर सीजन 2 के हर एपिसोड के खत्म होने से सिर्फ 15 मिनट पहले आपको इतने गजब के फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्नीक पीक देना चाहूंगा पनिशर सीजन 1 का, कि हुआ क्या था उसमें। पनिशर जिसका रियल नेम फ्रैंक कैसल है, उसकी फैमिली को उसके सामने मार दिया जाता है, और फ्रैंक को भी लगभग मार दिया जाता है। समहाउ वो बच जाते हैं, और उसके बाद वो उन सबका रिवेंज लेते हैं जिसने उनकी फैमिली को मारा, जिसमें कि उनके बेस्ट फ्रेंड बिली रूसो भी शामिल होते हैं। बट सीजन 2 इन सब से बहुत ही ज्यादा अलग है, और आगे बढ़ने से पहले इस सीरीज के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पनिशर का रोल प्ले कर रहे हैं जॉन ब्रेंथल, जिक्सॉ और बिली रूसो का रोल प्ले कर रहे हैं बेन बार्नेस, जॉर्जिया विघम जो कि प्ले कर रही है एमी का रोल, एम्बर रोज रेवा जो कि रोल प्ले कर रही है डीना मदानी का, रॉयस जॉनसन एज महोनी एंड जॉश स्टूअर्ट एज जॉन पिलग्रिम। सीरीज के प्लॉट की बात करें तो फ्रैंक कैसल, जिनका नाम पनिशर सीजन 1 में चेंज करके पीट कैस्टिलियोनी कर दिया गया था ताकि वो न्यूयॉर्क से निकल के कहीं और जाके एक न्यू एंटिटी के साथ रह सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो अपनी नई लाइफ की सर्च में वो घूम रहे होते हैं। एक दिन वो बार में मजे कर रहे होते हैं और वहां पे उनको दिखती है एमी जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई और सहमी हुई होती है। फ्रैंक उनको देखते हैं कि ये लड़की कर क्या रही है, और तभी वहां पे एक रशियन गैंगस्टर आ जाती है जो कि उस लड़की के पीछे पड़ी होती है, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि फ्रैंक कैसल उन सबके साथ क्या करेगा। फ्रैंक उन सबको मार देता है, उसके बाद फ्रैंक कैसल टेक्स अ वाउ दैट ही विल सेव एमी एट एनी कॉस्ट फ्रॉम रशियन गैंगस्टर्स। पर सीरीज के दूसरी तरफ हम एक और कहानी देखते हैं कि आफ्टर ए फाइट विद फ्रैंक कैसल, बिली रूसो को अपने पास का कुछ याद नहीं है, और वो स्ट्रगल कर रहा है उस इंसिडेंट को याद करने की कि उसके साथ हुआ क्या, कि वो हॉस्पिटल में कैसे आया, उसका फेस किसने डिस्ट्रॉय किया। बस उसको ड्रीम में सिर्फ फ्रैंक कैसल का वो सूट याद आता है कि ये खोपड़ी वाला जो सर है वो सिर्फ उसको हॉन्ट करता रहता है, और वो हमेशा फ्रस्ट्रेट होता रहता है उस चीज को याद करके। और वो एक दिन फ्रस्ट्रेशन के कारण वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाता है, और बाहर जाने के बाद वो गैंग बनाता है, और ये बात फ्रैंक कैसल को एजेंट मेडानी बताती है कि रूसो इज स्टिल अलाइव और वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग चुका है और वो तुम्हारी तलाश में है। अब बस क्या पूरी कहानी यहीं पे सुनोगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज के डायरेक्शन की बात करते हैं। इस सीरीज में हमें बहुत अच्छे से एक एक चीज दिखाई गई है, पर मैं ये कहूंगा कि बीच बीच में जो एपिसोड्स हैं लाइक 5 to 10 बहुत ही ज्यादा स्लो है। लाइक देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, इट्स ऑल अबाउट फ्रैंक कैसल रिसर्च कर रहा है कि रशियन माफिया उसके और एमी के पीछे क्यों पड़ी है, उसको क्या चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बिली कैसे खुद को प्रिपेयर कर रहा है, और ये सब सेटअप करने में पूरे 5 एपिसोड्स निकल जाते हैं। करेक्टर्स में देखा जाए तो जॉन पिलग्रिम का करेक्टर हमें इतने अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बस हमें ये पता होता कि ये एक चर्च मैन है, और इनके बारे में बस छोटी मोटी ग्लिम्स आती रहती थी कि पहले ये कैसे थे और अब कैसे हो गए, बस इनके बारे में और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं गया और ना हमें बताया गया कि इनका बैकग्राउंड क्या है। सो करेक्टर पोर्ट्रेइंग में भी ये फेल हुए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एडमायर जॉन ब्रेंथल, लाइक इन्होंने फ्रैंक कैसल का जो रोल प्ले करा है ही इज ट्रिमेंडस। लाइक आई थिंक इस रोल को कोई और प्ले कर ही नहीं सकता, वो एंगर, वो खुशी, वो पेन कोई और ना ही दिखा सकता है, इन्होंने इतने अच्छे से जो हमें दिखाया है। और इनके साथ एमी, जो कि स्टार्टिंग में इनका करेक्टर हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, ये क्या कर रही है, पर एंड में आते आते तक उन्होंने फ्रैंक कैसल का इन्होंने अच्छे से मजाक उड़ाया, जो कि हमें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। बेन बार्नेस एंड जॉश स्टूअर्ट ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करा है। लाइक जॉश स्टूअर्ट जो कि शो करते हैं कि ही वांट्स एवरीथिंग टू बी डन पीसफुली, बट अगर वो चीज उनके हिसाब से नहीं हो तो फिर वो अपना रियल फेस शो करते हैं कि लाइक सी आई कैन ऑल्सो डू थिंग्स लाइक दिस। और बेन बार्नेस ने जो मेंटली इल बिली का जो रोल प्ले किया है बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है। बिली जब किसी भी बात से अपसेट हो जाते हैं, जो उनका फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है।
पर एक चीज जो मैं और चाह रहा था कि बिली का फेस और भी मेस्ड अप देखना चाहिए था, जैसा कि मैंने कॉमिक्स बुक में देखा है। और ये वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट है क्योंकि इस सीजन में हमें बहुत अच्छे फाइट सीन्स देखने को मिले हैं, जो कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ जॉन विक के साथ। जॉन विक जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे लड़ते हैं, बस फर्क यही है कि पनिशर स्ट्रीट लेवल फाइटर हैं और इतने अमेजिंग तरीके से ये लड़ते हैं कि आपको अंदर से वो पंप आ जाएगा कि चलो भाई उठो और लड़ना चालू कर दो। सो गाइज फॉर दिस सीरीज आई एम गोइंग टू गिव 3 stars। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि हमने कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर दिया है तो प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स और हमें ये बताएं कि आपको पनिशर सीजन 2 कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।